हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि अपने आप में मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। जो टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने हैं वो देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में आपको पता है अपना 100 मार्क्स का आता है। कितना आता है दोस्तों? 100 मार्क्स का आता है। और 100 मार्क्स में अगर मैं आपको बात करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, अप्रॉक्स 10 से लेके 13 क्वेश्चन आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के देखे जाते हैं। यानी कि ये 10 से 15 भी जा सकता है और 13 भी जा सकता है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, यानी कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता है स्वम अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें भी लगभग 10 से लेकर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, ये मैंने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की अगर आप देख पाओगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। देखिए, 112 क्वेश्चंस लगभग अभी तक मैंने जो एनालाइज किया, सबसे ज्यादा जो वेटेज है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इससे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पूछे जा रहे हैं। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की अगर आप भी देख पाओगे, यहाँ पर थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको दोनों ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा कंप्लीट करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होनी चाहिए, इससे न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है प्रेशर एंड मेजरमेंट। प्रेशर और मेजरमेंट में अगर आप देख पाओगे, सेकंड हाईएस्ट वेटेज इसमें दे रखा है हमने। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल, प्रेशर एंड मेजरमेंट में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का वेटेज की बात करें तो हमारे पास है, देखो कितना वेटेज है। और इसमें भी दोस्तों पता है आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आपको अगर टॉप 3 प्रायोरिटी में लगने हैं तो ये आपकी टॉप 3 प्रायोरिटी होगी, भाई सबसे पहले हमको ये कंप्लीट करना है और इसके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में आप लोग देख सकते हो इसका वेटेज। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है, वो क्या पढ़ना है, फ्लो मेजरमेंट और बर्नौलीज, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। बायोन्सी एंड फ्लोटेशन में क्या है, लगभग 36 वेटेज है इसका, और इसमें आपको दोस्तों थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है लेमिनार टर्बुलेंट एंड पाइप फ्लो। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी दोस्तों आपको वेटेज देख सकते हो और थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही कंप्लीट करने पड़ते हैं आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे केवल थ्योरी ही पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, लगभग थ्योरी पूछी जाती है और ड्रैग वगैरह उससे न्यूमेरिकली पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं थ्योरी पूछी जाए, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम आपसे थ्योरी ही पूछी जाती है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ना, वो इसी चैप्टर से बनता है, बाउंड्री लेयर थ्योरी से। नेक्स्ट सबसे लो वेटेज जिसका है वो कितना है, डायमेंशन लेस नंबर्स, इससे भी थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे। तो ये कुछ चैप्टर्स बोल सकते हो आप लोग, कुछ टॉपिक्स बोल सकते हो जो मैंने आपको बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसको आपको हर हाल में कंप्लीट करना है और थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही कंप्लीट करना है। आप लोग अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इसको लिस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, फिर आपको प्रेशर एंड मेजरमेंट पढ़ना है, फिर आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़नी है, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़नी है, फिर बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पढ़ना है, फिर लेमिनार एंड टर्बुलेंट पाइप फ्लो पढ़ना है, फिर बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना है, और फिर आपका क्या है, डायमेंशन लेस नंबर पढ़ना है। की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।